हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एवं ग्रुप डी वैकेंसी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। आप इस बुक का कवर पेज सामने देख रहे हैं। इस बुक में आपको कंप्लीट सिलेबस का आपको मटेरियल मिलने वाला है, पूरा कंप्लीट गाइड बुक होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पूरा आपको मटेरियल मिलेगा। इसमें आपको हिंदी, सामान्य सचेतता, अंग्रेजी, गणित सब कुछ मिलेगा। 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्यात्मक हल प्रश्न सहित मिलेगा। इसके साथ 25 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, 2 शॉर्ट पेपर दिया गया है जो प्रीवियस पेपर में हुआ है, और नवीनतम शॉर्ट पेपर यहाँ पर लगाया गया है। 100% गारंटी के साथ यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पर सारा मटेरियल मिलेगा। इस बुक को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर आप इजिली अपने नियरेस्ट मार्केट में बुक स्टॉल से भी इसको परचेज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हुई थी, अभी उसका हाल ही में फॉर्म फिलअप होना एंड हुआ है। अब बच्चे एग्जाम डेट के बारे में बात कर रहे हैं कि कब एग्जाम होगा, तो एग्जाम डेट यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कब तक इसका एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ यानी किस मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको एग्जाम के रूल्स में, एग्जाम परीक्षा के नियम में कुछ बदलाव हुआ है ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, उसको लेकर क्लियर करने वाला हूं चीजों को। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और बेस्ट बुक तो आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में दोस्तों, बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है, आप उसको जरूर परचेज कर लीजिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं खबरों में आगे। वीडियो को लाइक करना, और कॉमेंट सेक्शन में कोई डाउट रह जाए तो कॉमेंट करके जरूर पूछ लेना इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं परीक्षा एग्जाम डेट को, इससे पहले मैं बात करूंगा कि परीक्षा नियम में बदलाव, सीबीटी बेस्ड होगी परीक्षा, ऐसा जो कहने में आ रहा है बच्चों, उसको क्लियर करना चाहूंगा। देखिए बहुत सारे बच्चे यहां पर, देखिए सरकारी रिजल्ट आप सभी को ऑथेंटिक वेबसाइट है, जितनी भी वैकेंसी आती हैं सारे बच्चे हर जगह लगभग अब सरकारी रिजल्ट वेबसाइट का ही यूज़ करके फॉर्म फिलअप होता है साइबर कैफे वगैरह में। तो यहाँ पर दोस्तों पूरे डिटेल लिखा होता है सरकारी रिजल्ट पे कि इस वैकेंसी का डिटेल क्या है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो बताया गया है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है बताया गया, फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है, फीस पेमेंट की लास्ट डेट कितनी है सब लिखा था। इसके साथ साथ यहाँ पर करेक्शन डेट कब तक है ये बताया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया एग्ज़ाम डेट के सामने लिखा गया था कि सीबीटी एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल्ड, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया कि सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम डेट। तो यहां पर सरकारी रिजल्ट वालों ने लिखा सीबीटी एग्जाम डेट। अब बच्चे को लगा कि ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जहां जो परीक्षा कंप्यूटर पे होती है यानी ऑनलाइन होती है, उसको सीबीटी बेस्ड कहते हैं यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा था कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर सरकारी रिजल्ट यानी वेबसाइट वालों की तरफ से एक गलती है, त्रुटि है, उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया, वैकेंसी का नोटिफिकेशन ठीक से नहीं पढ़ा कि ये वैकेंसी जो है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने गलती से सीबीटी लिख दिया है, यह वैकेंसी यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एग्ज़ाम जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, वो ऑफलाइन ही होता है। ओमार सीट पर मैं उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस बार का जो 30 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ था। यहां पर अगर आप नीचे ध्यान देंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि एग्जाम कैसे होगा, देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जाम साफ साफ बताया गया है, मोड ऑफ एग्जाम यानी एग्जाम किस माध्यम से लिया जाएगा। स्टेज वन का जो एग्जाम होगा वो आपका ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा, साफ साफ बताया गया। और स्टेज टू का तो है वो भाई आपका शॉर्टलिस्ट जब हो जाएंगे, आप पेपर वन कंप्लीट कर लेंगे, लिखित परीक्षा यानी कि ओएमआर सीट वाली क्लियर कर लेंगे, आपका शॉर्टलिस्ट होकर नाम आएगा तो आप कंप्यूटर पे टाइपिंग देंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेज जो है वो कंप्यूटर पे है टाइपिंग वाला, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होने वाला है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होने वाला। वो गलती से बहुत सारे बच्चे वेबसाइट, भाई बहुत फेमस वेबसाइट है, बच्चे वहां से फॉर्म भरते हैं, तो बच्चे पूछ रहे थे कॉमेंट कर क्या इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्या ऑनलाइन ये एग्जाम होगा, क्योंकि पिछली बार 2018-19 में वैकेंसी आई थी तब भी ये एग्जाम जो है वो ऑफलाइन ही हुआ था, ठीक है। तो बच्चों को लगा कि इस बार शायद चेंजेस आया है, सीबीटी बेस्ड होगा, कुछ भी है, वो गलती है वेबसाइट की, सीबीटी बेस्ड नहीं है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है यह। और आगे भी आपको दिखा देता हूं डिटेल वैकेंसी, जो वैकेंसी जैसे ग्रुप सी की वैकेंसी अगर आप डाल लो तो यहां पर नीचे आएंगे तो वहां पर भी साफ साफ मेंशन किया गया है कि यह जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो ऑफलाइन मोड पे ही कंडक्ट होगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं,
ये देख सकते हैं, मान लो ये ग्रुप ग्रुप सी वाले का ये सिलेबस है और सिलेबस के ऊपर लिखा है देखिए सिलेबस फॉर स्टेज वन कॉमन ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम, ठीक है, ऑन ओएमआर सीट, साफ साफ मेंशन है हर जगह भाई। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको ऑफलाइन पेपर ही मिलेगा देने को, इसके आपको बुकलेट मिलेगी, आपको ओएमआर सीट मिलेगी, आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते दोस्तों, ये वाला क्लियर हो गया डाउट आपका कि एग्जाम किस मोड में होगा। अब बात कर लेते दोस्तों एग्जाम डेट के बारे में कि इसका एग्जाम कब कंडक्ट होगा, एग्जाम कब तक हो सकता है, किस माह में। तो भैया दिसंबर के एंड में इसका एग्जाम एक्सपेक्टेड है, ठीक है, दिसंबर के एंड में इसका एक्सपेक्टेड है। हर हाल में जनवरी के फर्स्ट वीक तक इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं देता है इलाहाबाद हाईकोर्ट, अक्सर कंडक्ट करा लेता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हाई जाएगा तो भैया जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि दिसंबर में, जहां तक अगर सब कुछ सही रहा तो दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो भी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। और अगर किसी कारणवश नहीं हो पाए तो जनवरी में हो जाएगा, यानी कि आपके पास ज्यादा ज्यादा अगर हद से हद बात की जाए तो एक डेढ़ महीना दो महीना है, ठीक है, डेढ़ महीना ज्यादा ज्यादा है आपके पास, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करिए, उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट।